हमने जब आरंभ किया, देखा चारों तरफ, खोजना शुरू किया कि इस धरती के ऊपर कौन है ऐसा जिसको ज्ञान हो गया, जिसको प्राप्ति हो गई। ऐसा नहीं था कि हमारे पिता कोई संत थे, हमारे दादा कोई संत थे, या और हमारी पिछली पीढ़ियों में कोई संत रहा था, हम उसी की प्रणाली से आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं था, बिल्कुल अलग रास्ता। सोच समझ से परे की बातें, एकदम से लाइन क्रॉस के चल करके चलना, तो उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत होती है। लेकिन जब लगन बढ़ती है, हमें ध्यान शुरू किया, बहुत लोग जानना चाहते हैं हमारे बारे में, खोजते भी हैं, कहीं कहीं से पूछते भी हैं, लेकिन कुछ आधा अधूरा, कुछ हाथ लग गया, कुछ रह गया। इसी प्रकार से भागदौड़ होती रहती है, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ। जब शुरुआत हुई तो खोज शुरू हुई कि कौन इस धरती के ऊपर। हमने सुना था कि ऐसे ऐसे महात्मा होते हैं कि जल के ऊपर चलते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, उड़ते हैं, ध्यान में कहीं भी विचरण करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुनी, वही चीज़ें हमने भी सुनी और हम खोज में लग गए। दोनों प्रकार की खोजें, ध्यान के द्वारा भी और बाहर संसार के अंदर भी, कि कोई ऐसा महापुरुष। हमने सुना था कि वृंदावन के अंदर बड़े 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 महात्मा रहते हैं, पहाड़ों में बड़े बड़े तपस्वी रहते हैं, और हिमालय में उच्च कोटि के साधक सिद्ध निवास करते हैं। हमने बहुत काम किया इस क्षेत्र में, जहाँ पता चला, जैसे पता चला, जहाँ भी जिसने जहाँ बताया वहीं पहुँचे, खोज खोज करके। किसी ने ये बताया कि ये तो सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं, सबके पास पहुँचे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था, सब हड़बड़ाने और घबराने लगते कि सामना करने से भी पीछे हटने लगे। कुछ लोग हमारे साथ जो साथी थे वो भी जाते, देखते ढूंढ करके कि चलो आज तो बड़े बाबा जी मिले हैं, आज तो बड़ी जिद लगाएंगे और कुछ हमें भी पता चलेगा, ज्ञान होगा, अनुभव होगा और खोजने को मिलेगा। इसी प्रकार से खोजते खोजते बहुत जगह घूमे, बहुत जगह, लेकिन जहाँ भी घूमे, जहाँ भी रहे, जहाँ रुके, जहाँ गए, साधना बंद नहीं की। आंतरिक साधना वो हर समय चलने लगी कि सांसों के ऊपर पकड़ होने लगी, सांस पकड़ में आने लगे। जितनी जितनी साधना बढ़ी उतना चढ़ाई शुरू हुई, तो जिसके पास भी जाने लगे, जिसको थोड़ा बहुत पता था वो घबराने लगे, हड़बड़ाने लगे और बोलने लगे मेरी शक्तियों को लेने के लिए आए हैं, हालांकि मुझे कुछ पता नहीं था,
कि शक्ति आ रही है या जा रही है। हम साधना काल में थे, मुझे नहीं पता होता था किसी की शक्तियाँ मेरे पास आ गई या मेरी शक्तियाँ किसी के पास चली गई, हमें नहीं पता चलता था। लेकिन वो लोग घबरा जाते थे। इस प्रकार की बहुत घटनाएं घटी, 20-30-50 बार तो हुआ होगा इस प्रकार। बहुत लोगों ने शास्त्रार्थ भी किए, जिन्होंने ज्ञान था पुस्तकों का, उन्होंने बहुत पुस्तकें पढ़ रखी थी, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए, लेकिन जवाब नहीं होता, क्योंकि जो आप लोगों को चाहिए वही हमें चाहिए था, यानी परमात्मा। और जब परमात्मा की आवश्यकता होगी हम खोज करेंगे, संतुष्ट वहीं होंगे जहां पता चलेगा, सवालों के जवाब मिलेंगे और यह अनुभव होगा कि हाँ साधना है, रटी रटाई बातें नहीं हैं। बहुत मिले मुझे जो बोलते थे पुस्तकें नहीं पढ़ी साधना की, जवाब नहीं मिल पाया। धीरे धीरे अध्यात्म के रहस्य खुलने लगे, पता चलने लगा, अंदर में अनुभव होने लगे। और जब अनुभव किसी से हम जिक्र करते, बड़े बड़े योगी जो बोलते हैं उनके सामने, वो सुन रह जाते, वो बताना तो छोड़ देते, पूछने में लग जाते कि हमें बताइए हमारा कैसे कल्याण होगा, ये कैसे हुआ, कैसे पहुँचे। फिर हमें धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि कोई ताकत हमारे साथ है, कि सब कुछ पीछे लगा हुआ है, भागदौड़ मची हुई है, संसार के लोग भी और बाबा टाइप के जो लोग होते हैं वो भी, और सब प्रकार के लोग, कि अब लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता, छटपटा करके रह जाते। धीरे धीरे जितनी चढ़ाई होती गई, संसार के अंदर बहुत खोज की, कोई महात्मा मिले, कोई महापुरुष मिले, लेकिन इतना आसान नहीं होता महापुरुषों का मिलना, और साधना काल में बिल्कुल भी नहीं, बहुत मुश्किल काम होता है ये। सबसे कठिन काम मेरे हिसाब से तो काफ़ी यही होता है, क्योंकि समर्थ अगर मिल जाए तो फिर सोच समाप्त हो जाती है और साधना की शुरुआत हो जाती है। तो नहीं मिला, ध्यान अच्छी तरह लगने लगा, अच्छी स्थिति में चले गए, कई बार समाधि भी लगने लगी, पता चलने लगा कल क्या घटनाएं होंगी, कैसे होगा, कौन मिलेगा, ये भी पता चलने लगा कल किससे मिलेंगे, क्या सवाल करेगा सामने वाला, इस प्रकार की चीजें होने लगी। हमारी समझ में बस इतना आ रहा था कि कुछ चल रहा है और कोई तो ताकत है जो सब कुछ काबू में कर रही है, ब्रह्मांड चल रहा है, शरीर चल रहा है, प्रकृति चल रही है, कोई ताकत है। फिर धीरे धीरे देवों का एहसास होने लगा, देवता आने लगे। स्थिति का वर्णन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उस स्थिति को केवल सिद्ध ही समझ सकते हैं, संत ही समझ सकते हैं। वर्णन किया तो ना आप यकीन पर कर पाओगे और भटकाव हो जाएगा,
क्योंकि उस स्थिति में देवों की गिनती नहीं होती, दूर खड़े रहते हैं हाथ जोड़े, और भी बहुत स्थितियां। इसीलिए मैं बहुत बार बोलता हूं, साधना पे ध्यान दो, राम को याद करो, उस परमपिता को याद करो, जिनको हम याद कर रहे हैं ये तो अपने आप आ जाएंगे, आवश्यकता नहीं पड़ेगी बुलाने की, अपने आप आएंगे। फिर आपकी मर्जी, बुलाओ या भगाओ, आगे बढ़ जाओ या पीछे हट जाओ, यहीं रुक जाओ, वो आपकी इच्छा रहेगी। तो फिर साधना में सब आने लगे, कोई देने के लिए कुछ आने लगा, कोई लेने के लिए कुछ आने लगा, हमारी समझ में कुछ ज़्यादा सी बातें नहीं आ रही थी कि ये हमारे से ध्यान पे बैठते कोई कुछ कुछ मांगने लगते, कोई कुछ कुछ देने लगते, आंखें खुलती, ना कुछ जाया मिलता ना कुछ आया मिलता, इस प्रकार की स्थितियां चली। फिर धीरे धीरे घटनाएं होने लगी, शरीर के साथ भी घटनाएं होने लगी और अंदर भी घटनाएं होने लगी, वो भी अनुभव होने लगे। लेकिन साधना का समय कम नहीं हुआ और बढ़ने लगा। साधना, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि साधना करो,